गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिना। कैसे आप सब लोग? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो। मेरे को काफी मैसेजेस आए हैं और मेरे को डीएम्स भी आए हैं इंस्टाग्राम में। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो उसका हैंडल आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, प्लीज फॉलो मी। कि मेरे को यहाँ पे आए थे कि आप मेरे को लिपस्टिक स्वॉचेस चाहिए, लिपस्टिक स्वॉचेस देखना चाहते हैं जो भी मैंने नायका में परचेज किए थे लास्ट नायका हॉल्स में। अगर आपने हॉल्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जरूर जाकर देखिए कि मैंने कौन कौन से लिपस्टिक्स परचेज किए और बहुत सारा मेकअप परचेज किया था। जरूर आप चेक करिए, आपको भी पसंद आएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। तो आज मैं आपके सामने ये सारे लिपस्टिक्स जो मैंने परचेज किए थे नायका में, वो उन सभी का हैंड स्वॉच और लिप स्वॉच आपके साथ दिखाऊंगी। ये सारे लिपस्टिक्स जो है वो मेरी स्किन टोन को बहुत परफेक्टली सूट करती हैं। अगर आप मेरे से लाइटर हैं, डीपर हैं, तो भी ये आपको बहुत अच्छे से सूट करेंगी, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा शेड नहीं है जो कि आपको ना सूट करता हो, जो कि मतलब आप कह लें कि इंडियन स्किन टोन के लिए ना हो। ये सारे शेड्स ही बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अच्छे से आपको एवरीवेयर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो इनमें से कोई ना कोई शेड तो ऐसा जरूर है जो आपको पसंद आ ही जाएगा, तो आप बिल्कुल इसको कहीं पे भी वेयर करके जा सकते हैं। ये शेड्स जो है वो हाउसवाइफ्स के लिए भी अच्छे हैं, कॉलेज गोइंग के लिए भी अच्छे हैं, और ये आप ऑफिस के लिए जाते हैं तो भी बहुत अच्छे हैं। मोस्टली लिपस्टिक्स जो है ना इसमें मैट की है सारी बुलेट फॉर्म की, बट सब मैट है जो इस मौसम के लिए तो बहुत ही अच्छी है। मॉनसून में जो है हमें मैट लिपस्टिक ही अप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं तो जो भी सैटिन या क्रीमी अगर आप अप्लाई करोगे तो वो बहुत जल्दी से निकल जाएगी। तो इस लिप्स वीडियो को ज़्यादा हम इंट्रो को लंबा ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे लिप स्वॉचेज मैं आपको दिखाऊंगी और आपको लिपस्टिक का टेक्सचर भी बताऊंगी और साथ में प्राइस रेंज भी आपको बता दूंगी किस रेंज तक की हैं ये लिपस्टिक्स। आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। अगर मेरे को इनके लिंक्स मिले तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स भी दे दूंगी कि आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ मोस्टली मेकअप पर, स्किन केयर पर, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सब्सक्रिप्शन का कोई भी पैसा नहीं देना है। और आप अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियो को देखते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, कीप सपोर्टिंग, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेरे पास लैक्मे का 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक कलेक्शन में से पहला शेड बेरी बेस, जो लैक्मे के 9 to 5 परफेक्ट प्राइमर प्लस मैट रेंज की लिपस्टिक्स हैं। इनकी MRP 500 है और आपको ये डिस्काउंट पर भी बहुत जगह पर मिल जाती है, नायका मिंत्रा पर भी अवेलेबल है, तो ये आप पर्पल पर भी खरीद सकते हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं, अमेजोन पर भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन बड़े आराम से आपको मिल जाती है। और इसका जो टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी है और अप्लाई करते टाइम तो इतनी स्मूथली आपके लिप्स में बटर की तरह ग्लाइड हो जाती है और थोड़े ही देर में ये बिल्कुल ही मैट हो जाती है और काफी लंबा स्टे है, 6 to 7 hours बड़े ही इजिली ये आपके लिप्स पे स्टे करती है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा बेरी कलर है। इसको लगाने के बाद आपको कोई मेकअप की लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको अकेले कलर को लगाकर भी जा सकते हो। ये जो सारी कलर रेंज है ना आपको ऐसे ही मिलेगी जिसमें आपको इतना मेकअप अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट आप इनको अप्लाई करके जा सकते हो। मैं आपको इसका हैंड स्वॉच दिखा दूं, बहुत ही प्यारा कलर है। चलिए लिप स्वॉच की बात करें, बहुत ही प्यारा बेरी कलर है। ये कलर ऐसा है कि आप कभी भी वेयर करके जा सकते हैं और पार्टीज के लिए, नाइट के लिए, अगर आप कोई डेट पर जा रहे हैं या डिनर पार्टी पर जा रहे हैं तो वहां पे भी आपको ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। और ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करते हैं, चैप नहीं करते हैं, आपके लिप्स बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत स्मूथ रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्राइमर मिक्स है, आपको लिप्स को प्राइम करने की भी जरूरत नहीं है, इसके अंदर प्राइमर मिक्स है, तो ये कलर बहुत अच्छा है। आप 9 to 5 की रेंज को एक ट्राई दे सकते हैं। मैंने इसकी बहुत सारी लिपस्टिक्स परचेज करी हैं और इसमें कलर भी बहुत अच्छे अच्छे और बहुत वैरायटी के कलर्स हैं, तो आप इसको एक ट्राई जरूर दें। नेक्स्ट जो शेड है वो है फेसेस कैनेडा का क्रेयॉन बेस्ड है ये मैट लिप क्रेयॉन। इसमें मेरा जो शेड है फेरी ब्राउन 28 नंबर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा डीपर ब्राउन टोन है। मेरे को तो बहुत प्यारा, ब्राउन शेड्स मेरे फेवरेट है, मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत इंडियन स्किन टोन में तो बहुत परफेक्ट लगते हैं। अगर मेरे से डीपर स्किन टोन वाले हैं तो ये हो सकता है आपको न्यू टोन में दे, और बट ये डार्क डीपर कलर है और बहुत ही प्यारा लगता है शेड। देखिए
इसका फॉर्मूला बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही क्रीमी फॉर्मूला है। बस ये है कि इसको शार्पन करना पड़ता है, शार्पनर इसका आपको इसके साथ ही मिलेगा। ये लगाते टाइम पे बहुत ही क्रीमी है और साथ के साथ ये मैट हो जाता है। और इसका फॉर्मूला देखिए कितना अच्छा और कलर पिगमेंटेड, देखिए एक ही स्वाइप पे पूरी पिगमेंटेशन दे देता है और 6 to 7 hours बड़े ही इजिली आपके लिप्स पे स्टे करता है। अगर आप ईटिंग ड्रिंकिंग करते भी हैं तो इसका स्टेन आपके लिप्स पे रहता है, फेड ऑफ नहीं होता है, तो आप इसको ट्राई दे सकते हैं। और ये ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई लिक्विड लिपस्टिक, फेसेस कैनेडा की जो भी आगे भी लिपस्टिक्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे कि लिक्विड लिपस्टिक का टेक्सचर नहीं होता कि आपके लिप्स पे पूरा दिन टिकी रहती है और मैट लुक देती है, बिल्कुल वैसा ही इसका लुक आता है, पूरा मैटिफाइड लुक। देखिए बहुत प्यारा कलर है और बहुत अच्छा लगता है लिप्स पे अप्लाई किया हुआ, आपके स्किन को ना एकदम से ब्राइटन अप कर देता है और आपके टीथ वगैरह भी देखिए कितने ब्राइट नजर आते हैं इसमें, बहुत प्यारा लगता है। ये सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं, आप इनको ट्राई दे सकते हैं, मेरे ये फेवरेट शेड्स हैं, मैंने अपने न्यू परचेजेस करी है तो इसके साथ ही मैं आपके साथ ये सारा कुछ शेयर कर। नेक्स्ट शेड है ना वो है मेबलिन की पाउडर मैट कलेक्शन में से गेट रेडी, ये मेरा सेकंड परचेज है, ये बहुत प्यारा ब्राइट रेड शेड है, मैंने इसको सेकंड टाइम परचेज किया है, एक मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, आपने मेरी रेड लिपस्टिक की कलेक्शन में भी देखा होगा, वहां पे भी मैंने इसको शो किया था कि जो मेरा पुराना वाला है मैंने उसके साथ उसको ट्राई किया था, अब उसको रीपरचेज किया है। बहुत प्यारा कलर है, मैं आपको इसका स्वॉच दिखाती हूँ, हैंड स्वॉच देख लीजिए पहले आप, हैंड स्वॉच तो मैंने खैर नायका की वीडियो पर भी दिखाए थे, यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो वो हॉल जरूर चेक कर लेना। इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है और ना इसका जो फॉर्मूला है वो टेक्सचर जो है ना वो बहुत ही पाउडरी सा है, क्रीमी बेस नहीं है, ये पाउडरी फॉर्म है बट आपके लिप्स पे ये पूरा दिन स्टे करा रहता है, उसका इसका लिप का स्टेन भी नहीं जाता आपके लिप्स से और आपको लिप बाम लगाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, पूरा दिन आपके लिप्स पे टिकता है और बहुत अच्छा लगता है ये कलर, न्यूली ब्राइड्स के लिए तो ये बेस्ट है कलर। और ये ना थोड़ा सा ब्राइट कलर है, टिंट ऑफ इसमें ऑरेंज मिक्स है तो आपके टेक्सचर को, स्किन के टेक्सचर को बहुत अच्छा कर देता है, आपने कोई भी अच्छा हल्का सा आई का मेकअप किया होता है उसके साथ आप ये वाला कलर अप्लाई करोगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, ये कलर बहुत अच्छा लगता है और आपके स्किन को भी अच्छा लगता है और ये आपको सामने से भी अगर आप कोई देखता है तो बहुत प्यारा लगता है ये शेड। ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो होती है जिनको रेड कलर बहुत पसंद होता है तो वो इसको जरूर एक ट्राई दे सकती हैं, ये बेस्ट रेड शेड है, जितने भी मैंने रेड शेड अभी तक परचेज करे हैं उनमें से मैंने इसी शेड को सिर्फ फ्री परचेज किया है क्योंकि मेरे को बेस्टेस्ट बेस्ट लगा, इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, लॉन्जिविटी भी बहुत अच्छी है और इसका प्राइस भी, प्राइस जितने भी लिपस्टिक्स हैं मैं उनके सबके प्राइस आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, जो ये प्राइस रेंज है इसकी 400 to 500 के इन बिटवीन है और जो फेसेस कैनेडा की है वो 750 to 800 के इन बिटवीन की है ये, और जो हमारी लैक्मे 9 to 5 की रेंज की है वो 500 की उसकी एमआरपी है, तो आपको प्राइस रेंज जो भी है वो सारे स्क्रीन पर मिल जाएंगे। और इसका जो टेक्सचर है मैंने आपको बता दिया, ये पाउडरी रेंज है तो बहुत बहुत प्यारा। नेक्स्ट जो शेड है वो है मेरे पास नेचुरल कोको नंबर 12, ये जो है ये फेसेस कैनेडा की अल्टीमेट प्रो HD इंटेंस मैट लिप प्लस प्राइमर लिपस्टिक है, बुलेट लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत देर तक आपके लिप्स पे ड्राई रहती है और आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है और आपके लिप्स को ना बिल्कुल चैप नहीं करती है, आपको इसमें प्राइमर ऑलरेडी मिक्स है लैक्मे की तरह तो आप इसको ट्राई दे सकते हो, बहुत अच्छा कलर है, मैंने सभी डार्क शेड में से ना ये एक न्यूड शेड चूज किया था मेरे स्किन टोन के लिए, ये बहुत ही न्यूड एवरीडे गोइंग शेड है जिसको मैं रेगुलर कभी भी कहीं पे भी लगा के जा सकती हूँ, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए तो ये बेस्ट शेड है, अगर आप कॉलेज भी जा रहे हो तभी भी आप लगा सकते हो, ऑफिस गोइंग वाले तो ये रेगुलर यूज कर सकते हैं, मैं इसको डेली वेयर में भी बहुत अच्छे से यूज करती हूँ तो ये कलर आप परचेज कर सकते हो, बहुत प्यारा कलर है। और इसकी आप लॉन्जिविटी की बात करें तो 6 to 7 hours इजिली रहता है विदाउट ईटिंग ड्रिंकिंग, अगर आप ईटिंग ड्रिंकिंग करते हो क्योंकि ये लाइट शेड है, न्यूड शेड है तो ये फेड ऑफ हो जाता है, इसका मैं आपको हैंड स्वॉच दिखा दूं, हैंड पे में भी आपको डार्क लगता होगा बट लिप्स पे इसका एक्चुअल शेड आता है, तो हमेशा ना जब भी आप लिपस्टिक लेते हो कभी भी इसको हैंड स्वॉच के ऊपर ट्रस्ट करके मत लेना, आपके हैंड्स का और आपके लिप्स का फेस का जो है शेड हमेशा अलग होता है, तो जो आपके हाथ पे अच्छा लग रहा होगा, जो आपके हाथ पे कलर दिख रहा होगा वो कभी भी आपके लिप्स पर नहीं दिखता, इसलिए मैं हैंड स्वॉचेस को प्रेफर नहीं करती हूँ, बहुत कम शो करती हूँ, मैं लिप्स स्वॉचेस को प्रेफर करती हूँ क्योंकि लिप्स के ऊपर जो आपका आपकी कॉम्प्लेक्शन के साथ जो शेड आना है ना शो होना है वो आपका हैंड के साथ कभी भी नहीं आ सकता, तो इसलिए आप हमेशा लिप्स के ऊपर कभी भी टेस्ट करने जाते हो तो लिप्स के ऊपर अप्लाई करके जरूर इसको देखिए कि आपके ऊपर कौन सा शेड अच्छा लगता है, और
अगर आप मेरे स्किन टोन वाले हो तो ये परफेक्ट न्यूड शेड है फॉर दिस मॉनसून सीजन, तो मस्ट बाय शेड। नेक्स्ट जो शेड है वो है मेरे पास लैक्मे 9 to 5 की रेंज में से ही मैरून मिक्स, बहुत ही प्यारा शेड है, देखिए बहुत प्यारा शेड है। इसमें टिंट ऑफ पिंक है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइटन कर देता है, लाइटन कर देता है और आपके टेक्सचर को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, देखिए और आपके फेस में कितना अच्छा लगता है। समर्स के लिए ये कलर बहुत प्यारा है, जैसे कि अभी भी मॉनसून सीजन चल रहा है या जैसे फेस्टिव सीजन आने वाला है, फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप कोई भी इंडियन वेयर करते हैं या वेस्टर्न वेयर करते हैं उसके साथ भी इंडो वेस्टर्न में भी ये कलर बहुत प्यारा लगता है, तो आप ये कलर को बिल्कुल ट्राई दे सकते हो। ये वन ऑफ माई फेवरेट शेड है लैक्मे का, इसका नंबर है MR18 मैरून मिक्स, हिंट्स ऑफ पिंक है इसमें। पिंक जो टोन है ना वो हर इंडियन स्किन टोन में बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसको तो जरूर बाय कर सकते हैं। ये आप कभी भी अगर आपको पता ना चले ना कि आपने कौन सा शेड आज वेयर करके जाना है तो इस शेड को वेयर करके आप चले जाओ, बस दैट्स इट, बहुत अच्छा लगता है ये शेड। नेक्स्ट जो शेड है वो भी है फेसेस कैनेडा का HD प्रो इंटेंस अल्टीमेट इंटेंस मैट लिप्स प्लस प्राइमर, इसमें मेरा शेड है नंबर 15 ऑब्सेस्ड। ये बहुत ही प्यारा शेड है, इसमें हिंट्स ऑफ ऑरेंज है, रस्टी शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है। इसकी भी लॉन्जेविटी सेम है 6 to 7 आवर्स की, बड़े आराम से और आपके लिप्स को बहुत ही स्मूथ रखता है। और ये एक तरीके की लिक्विड लिपस्टिक इन बुलेट फॉर्म है कि आप बुलेट लिपस्टिक को लगा रहे हो पर आपको जो इसका रिफ्लेक्शन है ना, जो इसका रिजल्ट है वो लिक्विड लिपस्टिक से भी बहुत बहुत अच्छा मिलता है। कई बार वो आपकी लिप्स को ड्राई कर देती है, चैप कर देती है, बट ये नहीं करती, और रीअप्लाई भी कर सकते हैं आप इसको, आपको उतारने की जरूरत नहीं है। जैसे कि लिक्विड लिपस्टिक रीअप्लाई करने में बहुत ही चैप हो जाती है, क्रैक हो जाती है ना लिप्स पे, तो ये ऐसा नहीं है, इसको आप काफी बार रीअप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिप्स को ये बहुत ही स्मूथ रखती है, तो बहुत प्यारा शेड है। देखिए समरी ऑरेंजी शेड है ये, बहुत अच्छा लगता है अप्लाई किया हुआ। कॉलेज गोइंग के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत वाइब्रेंट शेड नहीं है, रस्ट शेड है, तो आप इसको एवरीडे भी वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शेड है वो भी है हमारे पास फेसेस कनाडा की ही अल्टीमेट HD प्रो में से ही इंटेंस मैट लिप्स प्लस प्राइमर शेड। इसकी प्रॉपर्टीज तो सेम बाकी लिपस्टिक की तरह ही है, ये डार्क शेड है इसलिए ये ज्यादा देर तक टिका रहता है और आपके लिप्स पे एक स्टेन भी छोड़ देता है अगर आप खाते पीते भी है। और इसका शेड देखिए बहुत ही प्यारा वाइन शेड है। इसका जो नंबर है मैं आपको बता दूं, इसका नंबर है नंबर 13 स्कैंडेलियस, इसका शेड नेम है और नंबर 13 इसका है। और इसका जो हैंड स्वॉच है मैं भी आपको वो भी दिखा दूं अगर आप में से कोई देखना चाहता है तो, देखिए बट लिप्स वॉच इज इम्पॉर्टेंट, तो लिप्स वॉच देखिए, परफेक्ट आता है आप लिप्स पे और इंडियन स्किन टोन के लिए तो बहुत बहुत ही अच्छा शेड है, तो आप इसको जरूर जरूर ट्राई दीजिए, बहुत प्यारा कलर। नेक्स्ट जो शेड है वो है हमारा लैक्मे 9 to 5 की ही रेंज में से प्राइमर प्लस मैट रेंज में से नंबर 12 चोको ब्रेक, बहुत ही प्यारा ब्राउन शेड है, देखिए बहुत प्यारा लगता है ये अप्लाई किया हुआ, खासकर अगर आपने कोई वेस्टर्न वियर किया हो, जीन्स टॉप वगैरह वियर किया हो तो उसके साथ तो बहुत ही प्यारा लगता है ये शेड। पिगमेंटेशन की बात करें तो सभी शेड्स की, जितने भी अभी तक मैंने आपको शो किए हैं सबकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, सारे शेड्स जो है आपको बहुत ही अच्छा पहले क्रीमी टेक्सचर देते हैं फिर आपके लिप्स को मैट कर देते हैं, बट बिल्कुल भी ड्राई नहीं करते, बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं, आपके लिप्स पे पूरा दिन टिके रहते हैं। जो डार्क शेड्स हैं वो काफी देर तक टिके रहते हैं और लिप्स पे अच्छा सेटिंग छोड़ जाते हैं, जो लाइट शेड्स हैं वो जरूर निकल जाते हैं बट आप उनको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, आपकी स्किन और लिप्स को बिल्कुल भी खराब नहीं करते हैं वो, तो ये भी कलर उनमें से एक है, बहुत प्यारा कलर है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगर आपको इन जो भी मैंने आज आपके साथ कलर रेंज शेयर की है, जो भी मैंने न्यू परचेज किए हैं, आई एम श्योर कोई ना कोई कलर तो आपको जरूर पसंद आया ही होगा, तो आप उसको परचेज करके जरूर एक बार ट्राई करके देखना। मेरे स्किन टोन वाले हो तो ये सारे शेड्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। शेड है ना वो है मेरे पास फेसेस कनाडा का अल्टीमेट प्रो कलेक्शन में से लिप क्रेयॉन है, इसमें जो मेरा शेड है वो है डेली डोज। ये एक्चुअली जो है ना शेड मेरे को फ्री मिला था फेसेस कनाडा की, वहां पे चल रही थी तब बाय वन गेट वन फ्री, तब उन्होंने ये शेड एक फ्री भेजा था, तो जो शेड है ये बहुत थोड़ा सा लाइट है मेरे स्किन टोन के लिए, तो मैं इसको डायरेक्टली नहीं अप्लाई करती। अगर आपको दिखाऊं, अगर आप थोड़े फेयर स्किन टोन वाले हो तो आपके लिप्स को ये
न्यूड शेड की तरह आप अप्लाई कर सकते हो, बट मेरे या तो ना ही ये न्यूड रहता है ना ही मेरे लिप्स पे ये बिल्कुल भी अच्छा लगता है। तो मैं इसको कैसे यूज करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास भी कोई लिक्विड सॉरी कोई लाइट शेड लिपस्टिक है तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने अब चोको ब्रेक अप्लाई किया हुआ है, आप भी कोई भी डार्क लिपस्टिक अप्लाई करके उसको इसके साथ मिक्स करके बहुत प्यारा शेड बना सकते हैं। देखिए इसके साथ आप उसको ओम्ब्रे लुक भी दे सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि ये इसकी ना बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है बहुत ही ज्यादा, और बहुत इजीली ये ब्रेक हो जाता है, तो बहुत धीरे धीरे इसको अप्लाई करना, नहीं तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, इसको शार्पन करना पड़ता है हमेशा। जो भी आपने क्रिएट करना है तो देखिए लिप्स के ना सेंटर पे इसको डैब डैब कीजिए, एक नया ही शेड मिलेगा आपको। देखिए अभी मैंने डार्क कोको तरीके का चोको ब्रेक कलर लगाया हुआ था, उसके साथ इसके अप्लाई करने पे देखिए कितना डिफरेंट शेड बन गया है, बहुत प्यारा लगता है ये शेड अप्लाई किया हुआ। तो मैं इसको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट या तो डीप पर्पल शेड होते हैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेड के साथ मिक्स एंड मैच करके लगाती हूँ, तो बहुत अच्छा होता है। आप इसके साथ ओम्ब्रे लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है ये शेड अप्लाई किया हुआ, तो आप इसको ट्राई जरूर। इन लिपस्टिक के साथ ही मैंने परचेज किया था एक लैक्मे का लिप ग्लॉस बबल गम, मैं इसका भी आपको स्वॉच दिखा दूं। कई बार होता है कि हमने बहुत ही प्यारी स्मोकी आई लुक क्रिएट की है, तो उसके साथ हम न्यूड हल्का सा लिप टोन लगा के उसको ग्लॉसी लुक दे देते हैं, तब ये ग्लॉस बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके रेंज भी 200 के नियर अबाउट थी, बट ये पूरा दिन आपके लिप्स को ग्लॉसी रखता है और आपके लिप्स को हाइड्रेट रखता है। देखिए अगर आपने न्यूड स्मोकी हाई डार्क आई मेकअप किया है, स्मोकी आई लुक रखी है, तो उसके साथ आप ये लिप्स को ग्लॉसी रख सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं तब लिप्स ग्लॉसी किए हुए। आप इसको किसी लिपस्टिक के ऊपर भी लगा सकते हैं, अकेले भी लगा सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है ये शेड। थी आज की वीडियो जिसमें मैंने अपनी जो भी न्यू परचेजेस की लिपस्टिक्स है सारी आपके साथ शेयर किए हैं, उसके सारे लिप्स वॉचेस हैंड स्वॉचेस ने पहले शेयर कर लिए थे नायका हॉल में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना गाइस। लिप्स वॉचेस करने में लिप्स की बैंड बच जाती है, बट आपके लिए कुछ भी करना अच्छा लगता है। अगर आप कुछ भी और देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।